जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आज फरोख का एमबी शिक्षाला में। मैं आज फिर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ साथियों, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। मेरे प्यारे साथियों, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, साथियों अब तक इंतजार अगले साल भर्ती की भरमार। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन दिया है साथियों कि 2025 में साथियों लगभग 20,000 पदों पर भर्ती कराएगा। क्या साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 20,000 पदों पर साथियों भर्ती निकालेगा, यानी 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी। लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। आयोग पर आंदोलन के कारण जमा नहीं हो सके आवेदन, बढ़ाई तिथि। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अब 4 दिसंबर तक जमा होगी आवेदन की हार्ड कॉपी। यानी साथियों, ये जो यूपीपीएससी एसटी डीएचओ की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो 2025 की वैकेंसियां हैं साथियों यूपीपीएससी के द्वारा का किस डिपार्टमेंट में आएंगी और कब आएंगी। तो साथियों, साल भर भर्तियों का इंतजार करते रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियां पूरी कराने के साथ नई भर्तियां भी शुरू करेंगे। वर्ष 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कहने का मतलब है साथियों, जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और साथियों जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो भर्तियां हैं लंबित भर्ती हैं साथियों, कहने का मतलब उनका पेपर नहीं, तो उनका तो पेपर होगा ही, उनका प्रक्रिया पूर्ण होगी ही। लगभग 20,000 से ये दोनों आयोग मिलकर साथियों 20,000 से अधिक भर्तियों का विज्ञापन निकालेंगे यानी वैकेंसी निकालेंगे। यूपीपीएससी 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है, इसके तहत 220 पदों पर भर्ती होनी है। अगले साल जब तक ये भर्ती पूरी होगी, उससे पहले आयोग वर्ष 2025 की पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। ऐसे में अगले साल दो पीसीएस भर्तियां पूरी होगी। वही पेपर लीक कारण की गई स्थगित की गई समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी अगले साल महाकुंभ के बाद होगी। इस परीक्षा के तहत आरओ एआरओ के 411 पदों पर भर्ती होनी है। वही आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य कृषि राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। यानी दिसंबर के पहले सप्ताह में साथियों ये जारी कर देगा। किसका साथियों? राज्य 550 पदों पर सहायक अभियंता के पदों पर साथियों जो भर्ती है जारी कर दी जाएगी, जिसके लिए परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक के भी तकरीबन 7,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआती में आने की उम्मीद है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 पदों और राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 400 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। यूपीपीएससी अगले साल इन दोनों भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी करेगा। साथ ही राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर चल रही भर्ती क्रिया भी वर्ष 2025 में पूरी कर ली जाएगी। इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और जल्द ही मुख्य परीक्षा होने जा रही है, यानी यूपीपीएससी एसटी डीएचओ मेंस की बात कर रहा है साथियों। इसके अलावा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के भी तकरीबन 200 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इन पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगले साल पीसीएस जे की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की भी उम्मीद है। वहीं आयोग कई सीधी भर्तियां भी शुरू करने जा रहा है। यूपीपीएससी अगले साल तकरीबन 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों पर टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पद पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांग ली है। अगले साल ये दोनों भर्तियां पूरी होने के साथ प्राइमरी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के नई भर्ती विज्ञापन के लिए भी जारी किए जाएंगे। बात साथियों बहुत बड़ी खबर है, कहने का मतलब है लगभग 20 से 25 हजार वैकेंसी 2025 में आने वाली है यूपीपीएससी और साथियों जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के द्वारा। तो साथियों आज के नोटिफिकेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी एमबी शिक्षा वाला परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।